सुप्रीम कोर्ट एक्शन में नजर आ रहा है एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट एक्शन में नजर आ रहा है एक के बाद एक मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए कोर्ट के अहम फैसले सामने आ रहे हैं। अजित गुट के खिलाफ शरद गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने अजित गुट को अपनी पहचान बनाने की बात कही थी, तो इस बार कोर्ट ने एनसीपी शरद चंद्र पवार की नई पहचान को मान्यता दी है, तो वहीं अजित गुट को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। तो क्या होगा शरद गुट का नया नाम और चुनाव के चिन्ह? कोर्ट ने अजित गुट को क्या दिए हैं निर्देश? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में शरद गुट की याचिका पर सुनवाई हुई। शरद गुट ने अजित गुट के खिलाफ चुनाव प्रचार में शरद पवार का नाम और तस्वीर इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे। मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शरद गुट को लोकसभा चुनाव 2024 में एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके चुनाव चिन्ह ट्रम्पेट को भी मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि वह लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए दूसरों को तुरही चुनाव चिन्ह ना दे। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने शरद गुट को 22 फरवरी को ये नाम और चिन्ह आवंटित किए थे। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने अजित गुट को पब्लिक नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि एनसीपी का घड़ी चुनाव चिन्ह कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए चुनावी विज्ञापनों के इस्तेमाल में भी इसका जिक्र होना चाहिए। इस याचिका में शरद गुट ने अजित गुट पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अजित गुट अपने फायदे के लिए शरद का नाम और फोटो इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब आप अलग पार्टी हैं, अपनी पहचान भी बनाइए। और 18 मार्च तक इस पर जवाब मांगते हुए पार्टी से शरद पवार का नाम और तस्वीर इस्तेमाल नहीं करने की लिखित गारंटी देने की बात कही थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।